नमस्कार एटीएन लाइव के कोरोना अपडेट में आप सभी का स्वागत है और आज है 8 जुलाई। मैं चंदन आप सभी को आज की कोरोना अपडेट देना चाहता हूं। आपको बताते चले कि आज नए केसेस जो हैं कोरोना पॉजिटिव के वो पूरे सिवान जिले की अगर हम बात कर लें तो 20 नए केसेस आए हुए हैं। जो ये नए केसेस हैं अगर पटना स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा देखी जाए तो उनके द्वारा जो वेबसाइट से डाले गए हैं उस पे 20 नए कोरोना पॉजिटिव केस जो है वो सिवान जिले से बताए गए हैं। लेकिन वही अगर सिवान में स्वास्थ्य विभाग की टीम की अगर बात करें तो वो अभी 17 कोरोना पॉजिटिव जो नए मरीज हैं उनकी पुष्टि कर पा रही है। कुल मिला जुलाकर हम देखें कि अगर 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं ये जो नए पाए गए हैं तो एक अच्छी समाचार यह है कि ये शहरी क्षेत्र के कोई नहीं है, ये ग्रामीण इलाके हैं जो कि सिवान जिले के वो अलग अलग इलाके के हैं। हालांकि कहां कहां से हैं ये डिटेल हम थोड़ी देर के बाद देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है। और जैसे कि आपको हम बता दें कि 7 जुलाई को हमने अपडेट आपको दिया था कि 593 तकरीबन जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे उनकी संख्या थी और 473 के करीब उसमें ठीक भी हो गए थे। लगभग 114 के आसपास उनको यहाँ पे भर्ती भी रखा गया है जिनका इलाज चल रहा है। तो जाहिर तौर पे आपको बता दें और मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़कर के 4 हो गई है, क्योंकि एक जो मृत्यु हुई है वो गोरियाकोठी में हुई है। तो आज 8 जुलाई को हम एटीएन लाइव पे कोरोना अपडेट दे रहे हैं जिसमें हम आपको बता दें कि आज 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज सिवान जिले में नए पाए गए हैं। तो अगर हम बात कर लें कि 593 और 20 ये आंकड़ा हो गया अब 613 का, यानी कि कुल 613 लगभग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और लगभग 500 के करीब में जो कोरोना पॉजिटिव थे वो लगभग निगेटिव में भी हो गए, वो ठीक हो गए, अपने घर के लिए चले भी गए। तो ये आंकड़ा अभी फिलहाल जो आया हुआ है आज का आंकड़ा है, अपडेट आंकड़ा है जो हम एटीएन लाइव पे हम आपको देने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि पटना जैसे शहर या फिर भागलपुर में उसे शहर को लॉकडाउन करने की बात कही गई है और ऐसा आ रहा है कि 10 तारीख से यानी कि 10 जुलाई से पूरी तरह से पटना या भागलपुर को लॉक कर दिया जाएगा। हालांकि इस संबंध में सिवान के जिलाधिकारी जो अमित कुमार पांडे हैं लगातार कोरोना जैसी महामारी को लेकर के लगे हुए हैं और ये लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है इनके द्वारा। कई अधिकारी सड़कों पर भी उतर करके अभियान चलाया जा रहा है, कई दुकानों को सील कर दिए गए, छापामारी लगातार जारी है, जो मास्क लगाकर नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में जिलाधिकारी अमित कुमार पांडे से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर जो फोन पे टेलीफोनिक बात हुई उन्होंने कहा कि कल हमारी एक मीटिंग है जो कि 10 बजे से वो मीटिंग होगी, तमाम जो प्रखंड के वीडियो हैं उनके साथ बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि क्या वाकई सिवान को लॉकडाउन करना चाहिए या फिर क्या कुछ करना चाहिए। तो फिलहाल इस पर अभी कोई क्लियरिटी नहीं है क्योंकि कल बैठक के बाद ही जिलाधिकारी ये सब कुछ क्लियर करेंगे। एक चीज आपको और हम बता दें कि जो अभी चल रहा है ये अनलॉक 2 में हम लोग हैं, तो जाहिर तौर पे जो अनलॉक 2 है इसमें सब कुछ लॉकडाउन नहीं किए जा सकते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ किए जा सकते हैं। इसको लेकर भी हमने जिलाधिकारी से बातचीत की, उनसे हमने बात की टेलीफोनिक तो कहा कि जैसे मान लीजिए कि एक साइड में दुकानें बंद है दूसरी तरफ साइड में दुकानें खुल रही हैं तो ये कोरोना जैसी जो वायरस है ये तो कहीं भी जा सकती है। तो बिल्कुल उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पर अभी पटना और भागलपुर में जिस तरह से वो लोग निर्णय लिए हैं बंदी के, तो कल हमारी भी एक बैठक है तमाम वीडियो के साथ और उसके बाद से जो फैसला लिया जाएगा वो तमाम मीडिया को दे दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है और बड़ी खबर है। खास करके आपको एक चीज़ और हम बता दें एटीएन लाइव के माध्यम से कि जो इलाका विशेष रूप से संक्रमित इलाका है उसमें सब्जी मंडी, पुरानी बाजाजी, बड़ी मस्जिद के पीछे का इलाका साबुन टोली हो गया ये आपको, उसके बाद से कसेरा टोली, सोनार टोली, कागजी मोहल्ला, मौलेश्वरी चौक, ये तमाम जो इलाके हैं कंटेनमेंट जोन में है यानी कि बफर जोन में है, वहाँ के लोगों को थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि जो कोरोना है बहुत तेज़ी से वो वायरस फैल रहा है, लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि आज का जो अपडेट है वो एटीएन लाइव पे हम आपको दे रहे हैं कि आज 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ गई और उसके बाद से आज का जो नया आंकड़ा सामने आया है कि कुल 613 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं और तकरीबन 500 लोग ठीक होकर के घर भी चले गए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या जिले में बढ़ते ही जा रही है। जैसा कि कल लगभग 31 के आसपास संख्या पॉजिटिव मरीजों की बढ़ी थी, शहर में लगभग आए हुए थे 12 के आसपास और आज जो है ये जो 20 है ये ग्रामीण क्षेत्रों से जो आंकड़ा आया हुआ है कि 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ठीक इसी तरह से
कोरोना से जुड़ी जो भी अप टू डेट खबरें होंगी वो आप देखने के लिए एटीएन लाइव को सब्सक्राइब करें, अपने यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ एटीएन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव, सीवान।